आज स्कूल से गट्टू और चिंकी जब घर आए तो उनके चेहरे पे अलग ही खुशी दिख रही थी। मम्मी ने भी उन दोनों के चमकते चेहरे को देखा और उनसे पूछा, अरे गट्टू चिंकी, आज तो तुम दोनों को ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। गट्टू और चिंकी ने अपने स्कूल बैग स्टडी टेबल पर रखे और काफी एक्साइटमेंट के साथ मम्मी को अपनी खुशी का कारण बताने लगे। मम्मी, आज स्कूल में हमारी क्लास टीचर ने अनाउंस किया कि इस फ्राइडे हमें समर कैंप पे ले जाएंगे और ये समर कैंप लोनावला में होगा। अरे वाह, समर कैंप, उसमें तो बहुत मजा आता है और काफी नई एक्टिविटीज भी होती हैं। लेकिन कितने दिनों के लिए तुम लोग लोनावला जाओगे? समर कैंप 3 दिनों का है मम्मी, फ्राइडे टू संडे, और स्कूल ने ही स्पेशल बसेस अरेंज किए हैं हमें लोनावला ले जाने और लाने के लिए। मैंने तो आज तक बस स्कूल पिकनिक ही देखा है, समर कैंप पहली बार जाने का मौका मिल रहा है। स्कूल डेज में समर कैंप जाना हमारे ओवरऑल ग्रोथ और लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तुम दोनों बहुत एंजॉय करोगे। रात में डिनर के वक्त गट्टू और चिंकी ने पापा को भी समर कैंप के बारे में बताया और उन्होंने भी गट्टू और चिंकी को समर कैंप पूरे जोश के साथ अटेंड करने के लिए इनकरेज किया। फ्राइडे की सुबह सारे बच्चे काफी एक्साइटेड होकर स्कूल पहुंचे। वहां पहले से ही स्पेशल बसेस लगी हुई थी जिनसे लोनावला जाना था। सभी बच्चों और उनके साथ जाने वाले 4 स्कूल टीचर्स ने अपने बैग्स बस में रखे और लोनावला की ओर चल दिए। कुछ ही घंटों में बस शहर से बाहर हाईवे पर तेजी से जाने लगी और अंदर बच्चों ने अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिया। सारे बॉयज ने एक टीम बनाई और गर्ल्स की दूसरी टीम। दोनों ही तरफ कुछ बेहतरीन सिंगर्स थे और अंताक्षरी में सबको बहुत मजा आ रहा था। देखते ही देखते बस पहाड़ी एरिया में आ गई और दूर तक बस ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां नजर आने लगी। अरे वाह, ये नजारा तो बहुत ही अमेजिंग है। इतने ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ इतनी गहराई, मुझे तो देखते ही चक्कर सा आने लगता है। तुम खिड़की से बाहर ज्यादा देर तक मत देखना चिंकी, जब उस तरफ खाई हो। पहाड़ों के ऊपर घूमती हुई सड़कों से होते हुए बस लोनावला की ओर चलती रहती है और सारे बच्चे अब अंताक्षरी खेलना छोड़कर बाहर के दृश्य का आनंद लेने लगते हैं। कुछ ही देर में लोनावला का वो रिजॉर्ट आ जाता है जहाँ समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। सारे बच्चे बस से उतरते हैं और एक बड़ी सी होर्डिंग के पास खड़े हो जाते हैं। उस होर्डिंग पे लिखा था, वेलकम टू द समर कैंप। स्पोर्ट्स टीचर मिश्रा सर पर इस पूरे ट्रिप की जिम्मेदारी थी। उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, इसी रिजॉर्ट में तुम्हारा समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और इस पूरे कैंप में हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर होंगे मिस्टर रविंद्र साठे।